बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आई एम योर मैथ्स टीचर ऑफ क्लास 4, लेक्चर नंबर 31। नाउ स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 31। नाउ स्टूडेंट्स, वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आप इस तरह स्केच रेडी करेंगे अपनी क्लास वर्क कॉपी पे, एक्सरसाइज नंबर 2C पेज नंबर 31। आप एक्सरसाइज और पेज नंबर दोनों राइट करेंगे अपनी क्लास वर्क कॉपी पे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज़ फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। क्या कह रहे हैं कि आपको इन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो नाउ स्टूडेंट, हम क्वेश्चन 4 का ए और ई पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग पार्ट्स आपका होमवर्क है। पार्ट ए है हमारे पास 9। आपको एक नंबर दिया गया है 9। आपको कैसे पता चलेगा कि इस नंबर पे कौन कौन से फैक्टर बनेंगे। फैक्टर्स के बारे में क्या पढ़ा था कि जो नंबर है वो कम्प्लीटली किसी ना किसी एक नंबर पे डिवाइड होता जाए और उसका रिमाइंडर ज़ीरो रह जाए। जब वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये इसका फैक्टर है। सो नाउ स्टूडेंट्स, आपने उन नंबर्स को डिवाइड करके देखना है जो 9 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो सकते हैं। सो अब आप यहाँ देखें सोल्यूशन में, 9 डिवाइडेड बाई 1 इज़ इक्वल टू 9। 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आया, 3। रिमाइंडर क्या बचा, 0। 9 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आया, 1। रिमाइंडर क्या बचा, 0। इट्स मीन कि हमने 9 से 1, 3 एंड 9 को सॉल्व किया है तो मेरे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। इट्स मीन कि कम्प्लीटली जो है इस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, सो इनके रिमाइंडर क्या है, 0। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखें, हमने 1 के बाद 3 से डायरेक्ट किया है, 2 से नहीं किया। बिकॉज 2 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 2 जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। जो नंबर इसमें मिसिंग है, इट्स मीन के वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो सकते, इसलिए हमने उन नंबर्स को डिवाइड नहीं किया। सो 9 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो गए, 1, 3 एंड 9। और अब आप यहाँ देखें कि सबका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इनके फैक्टर्स हैं। और साइड पर देखें, हमने मल्टीपल्स करके भी दिखाया है। 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इज़ इक्वल टू 9। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9। 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 9। मीन्स के 9 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और अपने खुद के टेबल में भी आता है। अब आप यहाँ देखें कि हमने 9 को दो मेथड से किया है, एक हमने डिवाइड करके भी दिखाया और एक हमने मल्टीपल करके भी दिखाया है। सो हम इन दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिंस फैक्टर्स ऑफ 9 आर 1, 3 एंड 9, सो नाउ स्टूडेंट्स, हम इन 3 डॉट्स को क्या कहते हैं, सिंस। सो 9 के कौन से फैक्टर्स है, 1, 3 एंड 9। मीन्स के 9 जो है इन दोनों नंबर्स पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास 9 के फैक्टर्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास 24। सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हम 24 के फैक्टर्स बनाएंगे जो कम्प्लीटली 24 से डिवाइड हो सके, हम उन नंबर्स को राइट करेंगे। सो 24 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 24। 2 से डिवाइड किया 12। 3 से डिवाइड किया 8। 4 से डिवाइड किया 6। 6 से डिवाइड किया 4। 8 से डिवाइड किया 3। 12 से डिवाइड किया 3 और 24 से डिवाइड किया 1। सो नाउ स्टूडेंट्स, इन तमाम नंबर से 24 जो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0। सो इट्स मीन की 24 के फैक्टर्स हैं। सो इट्स मीन के 24 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। इट्स मीन के इन तमाम नंबर से कम्प्लीटली जो है 24 डिवाइड हो सकता है, सो ये इनके फैक्टर्स हैं। अब आप साइड पर देखेंगे, हमने मल्टीपल करके भी दिखाया है कि 24 जो है वो किस किस नंबर का मल्टीपल है। 1 मल्टीप्लाई बाय 24 मीन्स के 24 जो 1 के टेबल में भी आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ इक्वल टू 24 मीन्स कि 2 के टेबल में भी आता है। 2 के टेबल में किससे आता है, 12 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 इज़ इक्वल टू 24, 3 के टेबल में भी आता है 24 और 8 से। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ इक्वल टू 24, 4 के टेबल में भी 24 आता है। किस कितने टाइम्स आता है, 6 टाइम्स। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 24, 6 के टेबल में भी 24 आता है। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 24, 8 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल में 3 टाइम्स 24 आता है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ इक्वल टू 24, 12 के टेबल में भी 24 आता है और कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। 24 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ इक्वल टू 24 और 24 के टेबल में भी किस टाइम आता है, 1 टाइम्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, ये तमाम नंबर्स जो हैं 24 के मल्टीपल्स हैं। सिंस फैक्टर्स ऑफ 24 आर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, 24 जो है इन तमाम नंबर्स पे कम्प्लीटली डिवाइड
हो जाता है। सो ये 24 के फैक्टर्स हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, आप इसी तरह रिमेनिंग पार्ट्स को अपनी कॉपी पर सॉल्व करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन 4 इन द कॉपी पेज नंबर 31। सो नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 का मैंने आपको ए और ई पार्ट सॉल्व करवाया है, वो भी आप सॉल्व करेंगे अपनी क्लास वर्क कॉपी पे, और रिमेनिंग पार्ट्स भी आप सॉल्व करेंगे अपनी क्लास वर्क कॉपी पे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।